बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन ब्लॉक के मूलिया स्कूल के निचला पाड़ा प्राथमिक स्कूल का हाल देखिए। यहाँ कुल 19 बच्चे हैं और 2 शिक्षिका हैं। यहाँ की संस्था प्रधान देवी चरपोटा हैं। लेकिन उनको समय पर स्कूल नहीं आने, बच्चों को समय पर पोषाहार नहीं देने, विभागीय रिपोर्ट समय पर आगे नहीं पहुँचाने और उच्च अधिकारियों से अभद्रता का व्यवहार करने मामले में 23 जनवरी को डीईओ माध्यमिक के आदेश पर एपीओ कर प्रारंभिक शिक्षा बांसवाड़ा में लगाया गया था ताकि उसके मामले में सही से जांच हो सके। लेकिन चरपोटा वहां से 1 या 2 दिनों में वापस उसी स्कूल में आ गई और अब लगातार मनमानी कर रही है। स्कूल में तो कमी है, दूध नहीं आ रहा, खाने के फल भी नहीं आ रहे, पोषण टाइम से नहीं मिल रहा है। चॉकलेट लाके खिलाते क्या है आगे से? कितने दिनों से? तो मैडम कहाँ से लाते? कितने दिनों से? बहुत दिनों से, हम तो देखते हैं 1-2 महीना हो गई। यहाँ तो पोषण खिलाते ही नहीं 2 महीने से। ये मैडम आते खिलाते, घर से खिलाते, आगे से आ रहे हैं पैसे की नहीं आ रहे? आगे से क्या मतलब, आगे तो मैडम के ऊपर दबाव डालते हैं। मैडम बोलते कि आगे इस स्कूल में कितने दिनों से पोषण फल फ्रूट नहीं आ रही? करीबन 2 महीना हो गए, हम नहीं देख रहे नहीं। यहाँ चरपोटा की जगह जिस शिक्षिका को संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनका आरोप है कि देवी चरपोटा किसी को जिम्मेदारी नहीं लेने देती हैं और स्कूल में जो भी लापरवाही हो रही है उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। निचला पाड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय निचला पाड़ा। अच्छा, कितने बच्चों का एडमिशन है यहाँ पे? 12 लड़कियाँ और 7 लड़के टोटल 19 का रोल है। और टीचर कितने लगे हुए हैं यहाँ पे? टीचर हम शुरू से तो हम 2 मैडम और मैं थे। इतने समय से संस्था प्रधान मैडम थे, ये देवी चरपोटा। इसके बाद में इनको एपीओ कर दिया गया 28 जनवरी से। उसके बाद में शाला संचालन का जो कार्यभार था विद्यालय का वो मुझे दिया गया और 28 जनवरी से लगा करके आज दिनांक तक मैं विद्यालय का संचालन कर रही हूँ। तो आज इनको पोषण वगैरह मिला कि नहीं मिला? पोषण सर मेरे अंडर में नहीं है। पोषण कौन खिलाता है इनको? पोषण मैडम के अंडर में है और सारी मतलब व्यवस्थाएं वो मुझे करनी थी, पर अभी मैडम के पास में चार्ज वगैरह सब है, मुझे कुछ भी दिया गया नहीं है। अब जरा चरपोटा की बात भी सुन लीजिए। इनके हिसाब से इनको स्कूल की तरफ से जबरन फंसाया जा रहा है। पहली बात तो मैं एपीओ ही नहीं हूँ, कहने का मतलब वो ऊपरी लिखित की कहानियां है, इनकी मनमर्जी अधिकारियों की। किसकी मनमर्जी? शायद पीओ और माध्यमिक वाले हैं या कोई। किस बात को लेकर आपको एपीओ किया गया था? मुझे कुछ कोई नहीं पता इस बारे में। आपको पता ही नहीं एपीओ किया गया? आपके पास में लेटर वगैरह कुछ आया था एपीओ करने का? नहीं, मेरे पास कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं। कोई भी आदेश नहीं और मेरे को जबरदस्ती फंसा रहे हैं एपीओ करने। वही इस मामले में मूलिया संस्था प्रधान मुकेश मीणा ने बताया कि निचला पाड़ा प्राथमिक स्कूल की देवी चरपोटा एपीओ होने के बाद में भी उसी समय स्कूल में आती है। स्कूल में पढ़ाई से लेकर पोषाहार तक में अनियमितता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय निचला पाड़ा जो मूलिया नोडल के अंतर्गत है और पीओ अधीनस्थ विद्यालय में 2 शिक्षिकाएँ वहाँ कार्यरत हैं, लेकिन एक शिक्षिका श्रीमती देवी चरपोटा जो हैं वो श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय बांसवाड़ा के द्वारा 23/1/2019 के आदेश के तहत एपीओ हैं। और एपीओ भी पीओ की शिकायत पर है क्योंकि वहाँ उनके द्वारा समय पर डाक नहीं दी जा रही, ये बच्चों को खाना टाइम पर नहीं खिलाया जा रहा और अन्य उनकी शिकायतें हैं जिसके कारण उनको एपीओ माध्यमिक ने किया, लेकिन उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कर दिया और हमने उसको जैसे हमें आदेश मिला आदेश प्राप्ति की दिनांक से ही 28/1/2019 से उनको कार्यमुक्त कर दिया यहाँ से। लेकिन फिर भी वो वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय में उपस्थिति नहीं देखे एपीओ होने के बावजूद भी अपने स्कूल में आके हाजिरी रजिस्टर में साइन कर रही है और दूसरी जो शिक्षिका हैं श्रीमती वर्षा भट्ट उनको उन्होंने कोई चार्ज नहीं दिया है। दोनों शिक्षिकाओं ने अलग अलग रजिस्टर बना रखे हैं। वहाँ पीओ होने के नाते मैं विजिट पे जाता हूँ तो वो मुझे धमकी देती हैं कि मेरे स्कूल में कभी विजिट किया तो जान से मार दूंगी। स्कूल की सूचना मांगने पर भी नहीं दी जाती। उनके वापस स्कूल ज्वाइन करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को 2 मार्च को लिखित में जानकारी भी भेज दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।